राजेश जी के लिए? पहली ये HDFC AMC मैंने लिए थे 54 शेयर्स 2700 की प्राइस पे, बट अभी बहुत लो चले गए हैं। ट्वेंटी और सेवन हंड्रेड पे लिए हुए, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर वो ट्रेडिंग वाला मामला था? ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं वैसे ज्यादा। ठीक है, लॉन्ग टर्म भी ठीक है, बट अभी जिस हिसाब से नीचे गिरा है तो आई डोंट नो अभी क्या करना ठीक है, पेडिग्री तो अच्छी थी, ये सच है कि एचडीएफसी है। ग्रुप के हाँ ही सारे स्टॉक्स करेक्ट हो गए जरूरत से ज्यादा, कुछ जी ओवरहैंग्स बने होंगे अपने जगह पे। राजेश सर भाई, लॉन्ग टर्म के लिए एचडीएफसी एएमसी कैसा? अब मेरे साथ दिक्कत है कि अच्छा लग रहा है तो मेरी 2700 की खरीद है, अब मेरे लिए क्या रणनीति होगी? देखिए, इस वक्त बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो गिरावट आई है, इस वजह कर आई है कि इक्विटी मार्केट में हमने बहुत जोर की गिरावट देखी पिछले 3-4 महीनों में, और जिसका खमियाजा एएमसी कंपनीज को भी भुगतना पड़ा। अगर देखा जाए वैसे तो कामकाज बहुत अच्छा है। जो एक बड़ी एएमसी है एचडीएफसी की, 4.3 ट्रिलियन का इनका एयूएम है। मार्केट शेयर अगर देखेंगे तो 11% के आसपास है। हालांकि चौथी तिमाही के समय हमने देखा मार्केट एयूएम थोड़ा घटता हुआ, बट वो सिर्फ जैसे जैसे बाजार स्टेबलाइज होता जाएगा, इक्विटी मार्केट खास करके, मुझे लगता है कि यहाँ से वापस से परफॉर्मेंस दिखने लगेगी। बनी रहे आप स्टॉक में।